दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी के बारे में। स्पेशली इस वीडियो में हम एमएससी केमिस्ट्रल स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी निकली है ना जूनियर केमिस्ट की, ये वैकेंसी गेल के अंदर निकली। गेल मतलब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पीएसयू सेक्टर की भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के तो गेल वगैरह इस तरह की कंपनी में जाने का सपना होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। भारत सरकार का विशेष तौर पर इन पर काफी जोर होता है। अब यहां पर मैं बता देता हूं, देखो ये जो वैकेंसी निकली, सबसे पहले बेसिक डिटेल में यही पर आपको बता देता हूं कि यहां पर जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो 29,000 से लगाकर 1,20,000 रहेगी। ध्यान देना, ये बेसिक सैलरी बोली है। इसमें कई प्रकार के अलावेंस, एचआरए वगैरह, दुनिया भर की चीजें जुड़कर आपको जब मिलेगी तो ये जो सैलरी है ना काफी ज्यादा जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा ही सैलरी यहाँ पर जाने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस मात्र 50 रुपये जो दे रखी है ना, ये 50 रुपये, 50 रुपये फीस भी केवल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे SC ST PWD एटसेट्रा, उनके लिए तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में यहाँ पर A to Z सब कुछ बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर रहने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, सब कुछ। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ, इस वैकेंसी में भाई आपके एमएससी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये वीडियो देखना ही देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तो आपको देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों देखना है? क्योंकि ताकि आपको पता तो चले ना कि भाई इस तरह की कंपनियों में किस तरह का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ताकि अगर आप आज एलिजिबल नहीं भी हो तो एटलीस्ट फ्यूचर के लिए आप हमेशा तैयार रहो, ताकि दोबारा अगर आपके सामने इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई तो आपके हाथ से निकले नहीं। तो चले यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर वैकेंसी आपके सामने ये है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि HCOD क्लासेज एप्लीकेशन पर अभी जो जन्माष्टमी ऑफर चल रहा था, जिसमें केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्स, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो, जिन पर यहाँ पर आपको 25-30% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, ये ऑफर भाई 28 अगस्त तक के लिए वैलिड है। मतलब 28 अगस्त मतलब एक तरह से कल ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बाकी अगर आपको ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमको बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप का लिंक और HCOD क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी ना। तो आप जरूर यहां पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। और ध्यान देना, कल इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद फिर ये ऑफर आपको फिर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर कोई इस वैकेंसी के बारे में जानना है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करनी है ना। यहाँ पर देखो gailonline.com है ना, बाकी दे रखा है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो आपको ये जो दे रखा है ना, यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स वगैरह, यहाँ पर आपको देखना है ये एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर है ना, क्लिक करने के बाद सीधे सीधे आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाओगे। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है ये, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जिसको मैं आपको अच्छे से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे दे रखे, एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एक टू रजिस्टर्ड। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, पहले आपने गेल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके सामने टू रजिस्टर्ड पर। क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर ऊपर वाले पर। अब मैं मान लो कि इस पर आपको नए स्टूडेंट है तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, टू रजिस्टर पर। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन यहाँ पर हो जाएगा। ये पेज ओपन होने पर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है, इनको आप पढ़कर देख सकते हो, और ये डिटेल वगैरह यहाँ पर आपको भरनी है। और फाइनली OTP के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई करके आपको फाइनली रीवेरीफाई यहाँ पर करना है, और आगे का प्रोसेस यहाँ पर फिर स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे आपको ये जो लिंक दे रखा है, PDF का लिंक एडवर्टाइजमेंट का, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाती है भाई।
ठीक है। अब देखो ये जो पीडीएफ है ना, पूरी खपी बड़ी पीडीएफ है, मैं यहाँ पर अच्छे से मेन मेन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 22 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है। तो इस पीडीएफ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं। तो इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। तो आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं भाई। देखो ये जो है इसमें कई तरह की वैकेंसी निकली, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी। इन सब में से स्पेशली जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो केवल केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी के बारे में, है ना। जूनियर केमिस्ट की तो यहाँ पर वैकेंसी निकली ना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड वर्जन यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। अब यहाँ पर हो सकता है आपको जो 8 वैकेंसी निकली वो थोड़ी कम लग सकती है, छोटी वैकेंसी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की कंपनी में जो वैकेंसी आते हैं ना, कभी 1, कभी 2, कभी 5, 8, 10 इसी तरह से आती है। तो एक तरह से देखा जाए तो 8 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ठीक ठाक है, अच्छी पोस्ट यहाँ पर, इनको आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि कुछ अदर पोस्ट भी निकली, हालांकि ये बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए निकली है ना, लेकिन स्पेशली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एमएससी केमिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं जो भी डिटेल बताऊंगा ना वो स्पेशली एमएससी केमिस्ट वाले स्टूडेंट के ही बताने वाला हूँ। अब आगे यहाँ पर अपन चलते हैं। देखो इस पोस्ट के लिए है ना, सैलरी मैंने आपको बताया था बेसिक सैलरी 29,000 से लगाकर 1,20,000 रहेगी, बेसिक रहेगी, बाकी सैलरी कई ज़्यादा इससे रहने वाले। रीजन क्या है, कई प्रकार के अलाउंस वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो एमएससी आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए एमएससी के अंदर। अच्छा, इस वैकेंसी की खास बात यह है, जनरली क्या होता है कि जो पीएसयू सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होती है उनमें एमएससी के अंदर मिनिमम 60% मांगते हैं, जनरली 60%। यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पर 55% ही मांगा है ना। तो ये बेनिफिट है कि सेकंड डिवीजन जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 55% होना चाहिए। और मैंने शुरू में बताया था कि 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 2 साल का जो आपको एक्सपीरियंस है ना, एमएससी के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी कोई स्टेट लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो सकता है ना, किसी यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इस जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आगे यहाँ पर चलते हैं भाई। आगे देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई इसमें, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट पजी क्वालिफाइंग हायर देन द नोटिफाइड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आप जब फॉर्म भरोगे जूनियर केमिस्ट के लिए तो आपसे क्या मांगा है, यहाँ पर एमएससी मांगा है, जाहिर सी बात है। तो अगर आपके पास एमएससी से हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो कि आपने पीएचडी कर रखी है, आपने क्या कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो आप सीधी सीधी बात है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर हायर क्वालिफिकेशन आपके पास एमएससी होनी चाहिए। हाँ, किसी के नेट वगैरह क्वालिफाई हो रही है वो बात अलग है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से देखो जो कुछ पोस्ट वैकेंसी निकली ना केमिस्ट बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, उनमें एमएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। और जो एमएससी के लिए पोस्ट निकले यहाँ पर जैसे जूनियर केमिस्ट की, उसमें पीएचडी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए वैकेंसी निकली है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर चलते हैं भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ना, क्वालिफिकेशन में जैसे आपसे मांगा गया है मिनिमम 55% मार्क्स, लेकिन अगर आप यहाँ पर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो फिर 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। मतलब ऐसे केस में आप 50% होने पर भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स, अपर एज लिमिट यहाँ पर कितनी भी 28 ईयर है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर 7/9/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अपर एज लिमिट के बारे में बताया था मैंने आपको, हाँ चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पर ये 28 ईयर्स है ना। तो अपर एज लिमिट में यहाँ पर जो रिलैक्सेशन आपको ये काउंट करनी है वो 7/9/2024 के अकॉर्डिंग काउंट करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है कुछ, मैं बता देता हूँ। ये
कैटेगरी वाइज आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप जनरल EWS और OBC नॉन क्रिमी ले रहे तो फिर 50 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी, 50 रुपये है। लेकिन इसके अलावा अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पर बताई गई। अब बात करना है आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। शुरू में मैंने आपको प्रोसेस बताया था, है ना, वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है ना। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, 7/9/2024 है, मतलब 7 सितंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद में फिर अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात और है कि एक पोस्ट के लिए केवल एक ही कैंडिडेट, मतलब एक ही बार आप एक पोस्ट, एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करते समय कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह पर आप अच्छे से ध्यान दे लेना है, तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़कर देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया ना इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई, देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली क्या रहेगा। देखो आपका सबसे पहले तो एक रिटर्न टेस्ट यहाँ पर होगा, है ना, जो रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट सीधी सीधी बात है कि स्किल टेस्ट होगा, जस्ट आप इसको इंटरव्यू मान लो कि पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद में इंटरव्यू होगा, है ना, जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट होगा उनका इंटरव्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर यू बता रखा है कि दोनों में से एक होगा, लेकिन मान के चलना कि आपका दोनों ही होगा, ये यहाँ पर जनरली रहने वाला है। अब देखो ध्यान देना, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें एक्चुअली क्या होगा कि 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 90 मिनट का पेपर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं, ठीक है। तो कितने मार्क्स से भाई, अगर आप अनरिजर्व EWS कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स कम से कम आपको लाने हैं पेपर के अंदर। अगर आप यहाँ पर OBC नॉन क्रिमिलेयर हो तो यहाँ पर आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर मान लो SC ST PWD है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर 30% लाना है। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कम से कम इतने मार्क्स आपको लाने हैं। ध्यान देना ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम इतने तो आपको लाने ही है। अब इसके ऊपर तो कट ऑफ कितनी जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो टेस्ट के बाद जब आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो इंटरव्यू के लिए, स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कितने? 5 गुना कैंडिडेट को। और जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। स्किल टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया वही है, बिल्कुल सेम है, अनरिजर्व EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 35% है और SC ST PWD के लिए 30% है। ध्यान देना जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है ना, इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, क्वालिफाई करना है आपको। लेकिन स्किल टेस्ट का आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर ही होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। हाँ, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको क्वालिफाई करना आवश्यक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आपके जो एग्जामिनेशन के लिए सेंटर होगा वो यहाँ पर आ सकता है, इसको आप यहाँ पर देख लेना, है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। और यदि आप स्पेशली CSR, NET, GATE या फिर फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली केमिस्ट्री की, तो भैया HGUD क्लासेज एप्लीकेशन पर जो ऑफर चल रहा है भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लास्ट डेट फिर बता रहा हूं 28 अगस्त, इसके बाद फिर आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा, मतलब लिमिटेड टाइम आपके पास कुल मिलाकर है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके एक एक डाउट को यहां पर क्लियर कर सके। और इस वैकेंसी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।